इसके बाद ये वाला ब्लैक हुआ,
Thank you.
अस्सलाम वालेकुम, शुएब आरिफ के साथ लाइव और नसीम अख्तर अपनी सुप्रीम परफॉर्मेंस पे हैं और बाबर ने अच्छी खासी लीड लगा के दिया था फ्रेम और नसीम अख्तर ने 79 का खूबसूरत क्लियरेंस कर दिया। व्हाट अ परफॉर्मेंस, अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त खेलते हैं हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स, प्रो लेवल का गेम खेलते हैं, पाकिस्तान में बेस्ट हैं। देखते हैं जी फाइनल में मोहम्मद आसिफ के साथ कौन आता है। और ये मैच भी अच्छा हो गया, 4-3 लीड कर रहे हैं बाबर। और लॉन्ग खूबसूरत शॉट, शायद थोड़ा सा शॉट ख़राब हो गया उनसे, ब्लैक बॉल नहीं बना लेकिन बड़ा ही रिस्की रेड मारा था। सच अ गुड प्लेयर नसीम, थैंक यू जी साकिब खान। गुड गेम बॉयज, इंशाल्लाह यही प्लेयर एक साल प्रैक्टिस करेंगे और इस तरह के टूर्नामेंट्स खेलेंगे, फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह क्यू स्कूल में जाके भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। वालेकुम सलाम हमाद भाई, कैसे हैं आप हमाद भाई? नसीम इज़ लीडिंग टू करेक्ट यू सर। सर मैंने बताया कि नसीम 4-3 से लीड कर रहे हैं, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, बट नसीम इज़ लीडिंग 4-3। वॉचिंग अजीम शोबिस, कैसे हैं अजीम साहब आप? और जी हमारे 350 के करीब जो व्यूवर्स हैं इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि कौन कौन कहाँ से देख रहा है और आपको क्या लगता है कि मोहम्मद आसिफ के साथ फ़ाइनल में कौन आएगा, कौन आएगा मोहम्मद आसिफ के साथ फ़ाइनल में? लें जी ये हमारा सेगमेंट स्टार्ट हो गया जी, कौन कौन कहाँ से देख रहा है। लें जी अभी आपके साथ लाइव कमेंट्स में बात करूँगा, मज़ा आ जाएगा अपने भाइयों के साथ। हमारे साथ इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में है मिस सजल मलिक, ऐसे टाइम्स की सीनियर रिपोर्टर। मिस सजल कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। हाँ फर्स्ट क्लास। मिस सजल आपने, चूँकि आप काफ़ी देर से हैं इधर। अच्छा जी हमारा सेगमेंट स्टार्ट हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं। सजल इमरान सईद सियालकोट से देख रहे हैं जी, आदिल रावलपिंडी से, हसन इस्लामाबाद से, फ़ारूक जट रावलपिंडी से। अच्छा जी नसीम की लास्ट फ्रेम में 79 की ब्रेक देख के आई एम श्योर ही विल विन द फर्स्ट फ्रेम। ओके जी नसीम अख्तर सरगोदा सिटी ऑफ ईगल्स जुनेद पाकिस्तान जिंदाबाद। लें जी इमरान सईद कह रहे हैं बाबरी इन द फाइनल। जिशान मुगल कश्मीरी देख रहे हैं जी जद्दा से सऊदी अरब, कैसे हैं जी? और इंडिया से नितेश नेंडू और शेफील्ड यूके से हमाद वकास फ्रॉम यूके, इंडिया से सिक्किम, वाओ जी अनुज देव सिंह इंडिया से 5000 पर सेंचुरी। लें जी उस्मान बसरा साहब मेरे इनबॉक्स पे आप मैसेज कर दें शुएब आरिफ के। हसन अफजल ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हैं जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे व्यूवर पूरे पाकिस्तान से हमारे साथ देखते हैं, पूरी दुनिया से देखते हैं। दिस इज़ द सक्सेस। जद्दा से देख रहे हैं जी फैसल कुरैशी साहब, फैजी बाबा लाहौर से देख रहे हैं। फैजी बाबा मैं आपका नाम जब भी पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे लिखा हुआ है फ़ाइज़ा बेबी फ़ाइज़ा बेबी। अच्छा जी सर आई एम फ्रॉम जर्मनी। अली अवान वेलकम सर, यू आर वॉचिंग विद अस फ्रॉम जर्मनी। इंडोनेशिया से देख रहे हैं जी, दुबई से अभी बदर देख रहे हैं, जिशान लाहौर से देख रहे हैं आई एम फ्रॉम जर्मनी। अली अवान लैया से देख रहे हैं जी, ज़ियाउल हक शुएब भाई मेरा जवाब दें सर क्या सवाल था आपका। साउथ अफ्रीका से अवैस देख रहे हैं,
अब इतनी तेज़ी से कमेंट आ रहे हैं कि मैं आराम से पढ़ सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, मोहम्मद आसिफ वाला मैच आसिफ जीता जी, जर्मनी से लिया वान, आई लव लव फ्रॉम ओकाड़ा, लव यू टू फ्रॉम कलाशाकाकू ऐसे गार्डन्स फेस वन, कुआलालंपुर मलाइशिया से गौर यूब देख रहे हैं, हसन रज़ा फैसलाबाद से देख रहे हैं, हसन महमूद थैंक यू जी आप सबके देखने का शुक्रिया, फहीम यार अनवर फ्रॉम रावलपिंडी, सीनियर रिपोर्टर डॉन न्यूज़, बहुत सीनियर साफ़ी हैं जी, 100 पे 20,000 रुपये अली अवान की तरफ से, वाह जी वाह सर, कंफर्म करें 1 सेंचुरी पे 20,000 रुपये का इनाम आया जी, वाह जी वाह अली अवान साहब, लॉक करें जी अली अवान साहब, मुझे शुएब आरिफ पेज पे मेरे इनबॉक्स कर दें, अलॉट ऑफ लव फ्रॉम मलाइशिया जोनाथन सोनू, ओके जी जोनाथन, बेस्ट ऑफ 9 है जी फाइनल, शायद बेस्ट ऑफ 11 होगा, लव यू शुएब आरिफ भाई, ओहो आई लव यू टू जिशान मुगल, लें जी साहिवाल से मियां हसन चौधरी देख रहे हैं, और साहिवाल वालों अपने साहिवाल के दोस्तों को मेंशन कर दो, हमारे साहिवाल का शहजादा खेल रहा है, शुएब भाई सल्यूट टू योर एफर्ट टू फॉर स्नूकर, आदिल शाहिद बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, दोनों में से कोई भी करे वाह वाह, एस एन ए मलिक मलाइशिया से, अवाब मिनास क्यू मेकर लाहौर, अवाब कैसे हैं भाई, अवाब बड़ा अच्छा क्यू मेकर है यार, ये नहर पे इनका सेटअप है लालबुल के पास, और बड़ी अच्छी क्यू को रिपेयर करते हैं और नए क्यूज़ भी बहुत अच्छे बनाते हैं, और एम के आर वाला क्यू बहुत अच्छी बनाता है जी, 100 पे 2500 रुपया हबीब बदर जी, बिल्कुल ये हमारे परमानेंट व्यूवर हैं, कन्फर्म लें जी, सेंचुरी पे इनाम चला गया है तकरीबन 5,000 और 7,500, लेकिन मुझे मेरे शुएब आरिफ के पेज पे ना इनबॉक्स कर दें, सर विश अली सरवर बेस्ट ऑफ लक, ही इज़ माय सन वाचिंग विद मी, हेलो अली सरवर माय सन माय बेबी हाउ आर यू, कैसे हो अली, अली सरवर बेटा बड़े होके अच्छे से स्नूकर प्लेयर बनना और टीवी पे इस तरह लाइव आना, लव फ्रॉम शुएब आरिफ भाई, नेक्स्ट मैच का इसके फौरन बाद जी, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे हम लोग शायद डिनर का, उसके बाद चलेगा फाइनल, इसके बाद होगा जी भुटिया चिवा चेवंग भुटिया, ओके जी, ले जी साहिबाल से देख रहे हैं राजपूत, फाइनल इसके बाद है जी आयना शेख, प्रेइंग फॉर नसीम अख्तर, ओ अ बिग फैन, अ बिग फैन ऑफ शुएब भाई, मेरा नाम अनाउंस करें, तारिक जी साहब आपका नाम अनाउंस करता हूं, बहुत मुबारक हो आपका प्राइज़ निकला है एस ए जी स्नूकर लीग में, आप यहां पे आके अपने प्लॉट की किस्त जमा करवा जाएं। अच्छा जी, व्हेन दे कमिंग टू क्यू स्कूल इवेंट, लें जी 101 पे 25,000 रुपया इंशाल्लाह, ओ सर 25,000 वी बदर, इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी, डिड यू अनाउंस 101 पे 25,000, माशाल्लाह बिग प्राइस मनी सर, लें जी प्राइस चला गया है सेंचुरी का 30,000 रुपये, भाई ये ना हो मैं अनाउंस कर दूं बाद में वो कहें जी निकालो 30,000, मैं गरीब आदमी हूं इतने पैसे नहीं दे सकता, इसलिए मुझे इनबॉक्स करते जाएं, अभी आसिफ भाई के अकाउंट में माशाल्लाह 6-7 ट्रांजेक्शन हुई हैं पेमेंट्स की, आई लव यू गाइस, आप लोगों की सपोर्ट मेरे साथ, 427 व्यूअर ऐसे जी स्नूकर अकेडमी कालाशा काकू फेस वन ऐसे गार्डन से जी, 25,000 पे अनाउंस कर दूं सर मेरी तरफ से, 20,147 पे अकाई दाई सैकड़ा हज़ार भी 20,000 शाहजी, ओके सर 147 का ऑलरेडी सर 6-7 लाख रुपये प्राइस चल रहा है, फर्स्ट सेमीफाइनल जीता जी आसिफ, शुएब भाई मेल आए हैं, कंग्रेचुलेशन टू ऑर्गेनाइज स्पेशली शुएब आरिफ भाई एंड बाबर साहब फ्रॉम एस ए ग्रुप, बाबर भाई के लिए बेस्ट विशेज हैं जी, इस्लामाबाद से सीनियर साफ़ी हैं हमारे फ़हीम अनवर साहब, डॉन के स्पोर्ट्स बहुत बड़े साफ़ी हैं, उन्होंने आपके लिए बेस्ट विशेज भेजी हैं, बाबर भाई की बेस्ट विशेज हैं जी, सर सिंगिंग या नात कम्पटिशन क्यों नहीं कराया, मुझे पार्टिसिपेट करना था, और मेरा बच्चा आपके लिए रखते हैं, इमरान खान रॉकेट टूर्नामेंट, रॉकेट स्नूकर क्लब से इमरान खान, रॉकेट स्नूकर फैक्ट्री के ऑनर,
इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा 147 का प्राइज 1,00,000 रुपया रॉकेट स्नूकर की तरफ से। मैं पहले इमरान भाई काफ़ी लोगों को बता चुका हूँ, और 2,000 रुपया पर सेंचुरी पे तकरीबन, अगर जितनी सेंचुरीज लग गई हैं इस वक्त इमरान भाई आपका जो स्पॉन्सरशिप है वो तकरीबन 1,50,000 में चला गया। लें जी 140 और 140 प्लस के ऊपर 300 यूरो। वाओ, बिग प्राइस, बिग प्राइस। लव यू शुएब भाई, जितनी बार कहूँ उतना ही कम है। आय हाय, प्यार हो गया है तुझे मुझसे लड़के। स्टैंड विद बाबर। ओके जी, ये मैच वाले विनर का डिसएडवांटेज होगा अगर फाइनल आज हुआ तो। शुएब भाई नहीं सर, पहले हमारा डिसाइड था कि सेमीफाइनल फाइनल होगा, तो प्लेयरों को पूरा रेस्ट दिया हमने, कोई अनफेयर नहीं है सर, क्योंकि जिसका 4 बजे मैच था वो 2 बजे तक नींद पूरी करके आया, और जिसका सुबह 11 बजे मैच था वो अब जाके भी अपनी नींद पूरी कर रहा है, तो दोनों के लिए इक्वल है, एक देर से उठा और एक बाद में रेस्ट कर रहा है। फहीम भाई को सलाम दें, मेरा शुएब भाई आपको भी सलाम, दुआएं अल्लाह पाक आपको जो। थैंक यू नुमान भाई। शुएब भाई प्लीज़ मुझे नसीम का व्हाट्सएप, बिल्कुल नहीं, आप हो सकता है कोई लड़की हो और लड़के का आईडी बनाया हो और हमारे प्लेयर का नंबर लेके उससे बातें करे चोरी चोरी, नहीं दूंगा भाई। आप ख़ुद क्यों नहीं खेले शेख इकराम साहब, आपको पता है कि मैं नहीं खेल सकता सर, आज तक अपने किसी इवेंट में मैंने खुद पार्टिसिपेट नहीं किया सर, यही तो वो कुर्बानी है जो मैं दे रहा हूँ गेम के लिए, अदरवाइज़ मैं बड़ा अच्छा खेल रहा था 6 माह पहले, मैंने कोई एक हफ्ते के अंदर 9-10 सेंचुरियाँ भी मार दी थी, चल पड़ा था मेरा सिस्टम। फहीम भाई आपको नुमान की तरफ से सलाम। शुएब प्लीज़ मुझे फाइनल आज है ना, हाँ ना। सैयद गुफरान वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बस जब मैं थोड़ा थक जाता हूँ तो फिर थोड़ा तबीयत ऑटोमेटिक जोली हो जाती है। सेकंड प्राइस कितना है शुएब भाई? नहीं आपको नहीं बताऊँगा मोहसिन खान, आपको नहीं बताऊंगा, हो सकता है जो सेकंड प्राइज ले आप बोलें कि यार इससे तो मैंने 50,000 लेना है, वो मुझे करवा दें, ऐसे नहीं होगा। वालेकुम सलाम असद ज़हीर, बहुत अच्छी बात है भाई, थैंक यू जी शेख इकराम साहब। लें जी, अब जिन्होंने अनाउंसमेंट की है वो अनाउंसमेंट वाले इधर ही हैं, यहाँ चले गए हैं। शुएब भाई आपको खेलना चाहिए जी, इंशाल्लाह ज़रूर खेलेंगे। लें जी, व्यूवर चले गए हैं 500 पे, इसी वजह से मैं कमेंट्री पे नहीं बैठ रहा था, 250 से सीधा जम मारा है 500 पे। लोग प्यार करते हैं, और आपके प्यार को अगर मैं प्रॉपर जवाब ना दूं तो ये कोई अच्छी बात नहीं। शुएब भाई मैं हैदर नसीम का भाई जिसके अपने विश किया था, हाँ रॉयल्स राजपूत, आपने मेरे से वीडियो बनवाई थी, उसकी पेमेंट नहीं की आपने मुझे, शूट आउट बनवाया था है ना, कोई बात नहीं। नहीं जी 1,100 SAR फॉर 147। असद भाई इतने बड़े पैसे ना रखें, SAR नहीं नहीं SAR किसी करेंसी का नाम है मेरे, सऊदी अरब SAR लिखना। शुएब भाई आप बहुत रोमांटिक लगते हैं। लगता हूँ यार, आई एम रोमांटिक सर। AOA एंजॉइंग योर कमेंट्री शुएब भाई। अदील भाई आपका 10,000 रहता है, वो भेज दें आसिफ भाई को। शुएब भाई मैं भी एक दिन टीवी पे आऊँगा, बस बेटा अच्छे अच्छे काम करना तो फिर टीवी पे आना, कोई ऐसा काम ना कर देना जिस पे टीवी पे आना पड़ जाए। ये भी डिसाइडर पर जा रहा है मैच, राय मदोसर हुसैन खल शेखुपुरा से, बहुत अच्छे स्नूकर लवर हैं, दोस्त हैं बड़े अच्छे और बड़े प्यारे स्वीट इंसान हैं। सऊदी रियाल है, वाह जी वाह, रियालों का नाम तो सारे नु पता है। SAR 1,000 सऊदी रियाल तकरीबन 40,000 बन जाता है। सर नदीम को मेरी तरफ से कहें अच्छे से खेले। क्यों जी नदीम, आप नसीम के दोस्त हैं या कोच हैं? ओके सर फैसल भाई, आई गॉट इट, दिस इज़ अ सऊदी रियाल। अदनान चौधरी, शुएब भाई थैंक यू जी। शुएब भाई आपका और मेरा मैच होगा? सर मैच हो ही नहीं सकता, मैं खेलता ही नहीं। शुएब भाई कैसी बातें कर रहे हैं? आई एम नॉट ए गर्ल,
खैर आप फिर भी बता दें ना कैसे नसीम भाई को डायरेक्ट। अच्छा जी, 10,000 भाई कौन सा? मैंने 147 पे रखा था। प्राइज मनी 50,000। 10,000 आपने सेंचुरी पे नहीं रखा था, शायद मैं भूल रहा हूँ, सॉरी। वालेकुम सलाम, मैं अली रज़ा उकाड़ा से हूँ। गुड लक बोथ प्लेयर, दोनों ही जान है पाकिस्तान की। अच्छा जी, फाइनल में मोहम्मद आसिफ 4-0 से लीड कर रहे थे मिठू जट, और मोहम्मद आसिफ ने व्हाट अ कमबैक यार, डेट वाज आई रियली एंजॉयड द मैच। और बहुत प्रेशर आता है, ये मैंने आज दोबारा देखा बड़ी देर बाद, आप बाहर बैठ के देख रहे होते हैं तो बहुत प्रेशर आता है। और बाबर भाई कह रहे थे कि मैं प्रेशर फील नहीं कर पा रहा था। सो कांट डिस्क्राइब योर कमेंट्री इन वर्ड्स। क्या हुआ, 81 पे मिस हुआ? 81 का ब्रेक हुआ है जी, सेंचुरी नहीं हो रही यार। आप वाले मैच की सेंचुरी का प्राइस बड़ा ऊपर चला गया, तो ज़रा ध्यान से खेलें। मेरा ख्याल है कि 30-35,000 रुपये की अनाउंसमेंट आ गई है, तो आपका ब्रेक चल रहा था तो मैं अनाउंस नहीं कर रहा था। क्लैपिंग होनी चाहिए। बैड मिस, ईस्ट टू वेस्ट, बाबर इज द बेस्ट, रियली सर, बोथ प्लेयर्स आर प्लेइंग गुड, थैंक यू जी। आदिल शाहिद, आप उकाड़ा कब आ रहे हैं? जब आप बुलाएंगे। आज बड़ा अच्छा मूड है आपका लग रहा है, नींद पूरी करके आए हैं, ये बात। आज मैं कितने बजे सोया और कितने बजे उठा ये नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं 6 घंटे सोया, बड़ा मज़ा आया। 6 घंटे इकट्ठा सोने को मिल गया, मैं इतना खुश था ना सुबह कि मेरी आंख 6 घंटे बाद खुली है। लें जी, हम लोगों ने जल्दी से फ्रेम लगा दो बेटा। लें जी, 4-4 फ्रेम बराबर हो गए हैं और बड़ा ही मज़ा आ रहा है। वाओ शुएब भाई, बड़ा मैच, डिसाइडर नसीम भाई विन करेगा, लेकिन अभी डिसाइडर बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। ये बिल्कुल आसिफ और वो वाला मैच हो गया, दोनों प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहे हैं। डिसाइडर फ्रेम, थैंक यू जी सलमान शेख, बहुत शुक्रिया। हार्ट्स फॉर यू शुएब भाई, थैंक यू यार। किसी प्लेयर को मास्टर में भी भेज दो यार। मास्टर कौन सा सर? बिकॉज उसके पॉइंट्स ज़्यादा थे, वो जीत चुका था। लें जी, फाइनल फ्रेम दोनों प्लेयरों का, कोई अनाउंसमेंट है तो कर दें, लेकिन प्लीज़ कंफर्म वाली कीजिएगा, फेक वाली मैं पकड़ लेता हूँ। भाई मिठू के साथ मेरा भी दिल टूटा है, लेकिन यार मिठू तो बेहतर है, मिठू तो बेहतर है, चल फिर रहा था, उसके बाद उसने खाना भी खाया। दिल टूट जाए तो बंदा खाना ही नहीं खाता। हारिस क्यों नहीं? हारिस के यार चोट लगी हुई है हाथ पे, उसका ना एक्सीडेंट हो गया था, फिर डॉक्टर ने कहा था कि ये वाला टूर्नामेंट मिस कर दो, क्योंकि अगर ये खेला और कोई नुकसान हो गया तो फिर लंबे अरसे के लिए जाओगे। तो फिर हारिस की तो मैंने लास्ट टाइम तक एंट्री रखी हुई थी, फिर मैंने हारिस को कहा था तुम्हारी सीट सेफ है, नेक्स्ट टूर्नामेंट खेल लेना, क्योंकि पहले आपका हार्ट ठीक होना ज़रूरी है। हु वन द अदर सेमीफाइनल? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ 4-0 डाउन थे और 5-4 जीते। ले जी, 20,000 रुपया इन दिस मैच फॉर 147। सर 147 रियलिस्टिक बात करें, एक रेड चला गया, आप जैसे ही रेड पोर्ट होता है आप अनाउंस कर देते हैं, कुछ करने वाली गल करो यार। ₹2,000 120 पे, ठीक है जी, सेंचुरी प्राइस चला गया है काफ़ी ऊपर हवाओं में। आसिफ कैसे आया? फाइनल जीता है आसिफ, हाँ फाइनल फ्रेम जीता है।
नदीम भाई आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, सिर्फ 5 मिनट। और जी बिल्कुल, मेरी एज अभी कम है, डेट्स वाई आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस इवेंट। एंड हियर आई हैव अ गाय डायरेक्टर एस ए गार्डन्स, मिस्टर नदीम अख्तर। और नदीम भाई वेलकम आपको कमेंट्री बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच। और यार दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड मोमेंट फॉर मी, because this guy is really really cool, calm and loving person. Adil bhai, Nadeem bhai, ye mujhe bataein ki aap apne aap ko itna cool kaise maintain kar lete hain? Matlab aaj hum wo baatein nahi karenge ki aise gardens kya kar raha hai, pehle ye bataein ki aap itne cool kaise hain. Ye dekhen ji aap Life taught me this. Life ne sikhaya. You go through a lot of ups and downs in life, and they just, you learn, you reflect from your past experiences, past actions, and you learn that yaar cool hi rehna chahiye, aur kya fayda koi aage baat karne ka ya baat. I've never been in a fight in my entire life, even since childhood until now. I've never hit anyone, I've never been hit. I'm just that kind of guy. I'm just not. No, I'm quite laid back in a lot of things. Lenji, another thing you must listen, guys, about Nadeem Akhtar. My brother and my father, who are very hot-tempered and short-tempered. So once you live with people who are always angry and always shouting, always fighting and everything, then you just learn to, you know, for me, I hated that. And I just... You learn from your elders, huh? Because I'm a brother, that's not how I want to be, and that's why I've ended up. Mostly ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज़ को, किसी negativity को मुसलसल देख रहे हैं, तो आप उसके एक immunity डूए. तो ये देखें, मुझे आज पता चला है कि you are immune from your elders. Yeah, I'm not immune. I mean, you learn and you just use that to live your life the best way you can. Nadeem भाई हमारे साथ हैं, और Nadeem भाई के The number one killer in this world is stress. Stress. So why go through any kind of stress? The less stress you have in life, inshallah, the better life you're gonna have. And that's what I believe in, and that's what I'm trying to, you know, implement. Nadeem bhai, अच्छा नदीम भाई, ये तो आपने बता दिया कि How you maintain your coolness. अब ये मुझे बताएं कि आपको आपको आपने कितना अरसा लंदन में आप रहे? लंदन में रहे हैं आप ज़्यादा? I've lived there. I was born in 70, so I was born in London in 17. So you born in London? South London में, Clapham, you know, इस इलाके में, Tooting वगैरह, आपने सुना होगा, तो it's just near there. So that's where I was born. I was raised in Streatham. I done all my schooling in London, private schooling, primary and secondary. And then I moved to Pakistan after O-levels. I lived here for about 13 years, during which I went to America as well. I studied in America for a year, done my master's there. And here, I was happy to live in Pakistan, but we went through some unfortunate circumstances and situations. Which forced me to leave everything. We lost everything, so I had to go back, start life again. And then that was back in 2001. And then about 2 years ago, I decided to move back again because I wanted to be part of this. SA Group is owned by my best friend. I've known him for 30 years. We studied together. We've been best friends since then. We've done previous businesses together. And it's just something I always felt, you know, it's a natural part of whatever he does. I have to be a part of it as well. And it's such a big project, so many multiple
avenues of opportunity here that sitting in London, it just felt like I'm missing out. So I just decided to move back and I'm part of it and I'm loving it. Sorry to cut you, Nadeem bhai. Here is the announcement on my WhatsApp. 3,000 rupees per decider. On decider, 3,000 rupees for century break announced by Hamza Ahmed Okada. Okay. Nadeem bhai, I want to listen from you about inside planning about SA Gardens next upcoming events. How many sports? Because the land of sport is the name. Like ऐसे gardens, कल मैंने एक segment रखा था जिस पे मेरा दिल किया कि मैं वो segment रखूं कि आप ऐसे gardens को कैसे जानते हैं. नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा, मैंने एक segment रखा था. तकरीबन कल हमारे पास 500 plus viewers थे. मैंने मैं एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा था. देखें, एक सोसाइटी है जैसे बैरिया टाउन है या डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, लोग उसको कैसे जानते हैं कि मतलब कैसे पता चला कि ये एक सोसाइटी है या एक. तो मैंने लोगों से कल सेगमेंट स्टार्ट किया कि एक अनाउंस है जी, ये उन्होंने नंबर भी दिया है, मुझे स्क्रीन शॉट लेना है इसका. 50,000 रुपये का प्राइस रखा है विद फ़ोन नंबर. और थैंक यू फॉर योर स्पॉन्सर मूसा खान शहज़ाद. अच्छा जी, जी जी, यूनस भाट साहब, अब टेबल से दो रेड गायब है ना, तो वो अब तो लग नहीं सकता. अच्छा, तो मोस्ट ऑफ द पीपल, मैंने कहा कि जी आप ऐसे गार्डन्स को कैसे जानते हैं, तो किसी ने तैक्वांडो बोला, किसी ने फुटबॉल बोला, स्पोर्ट्स रिलेटेड. और चूंकि मेरे पेज पे सारे, आपको पता है, ऑर्गेनिक स्नूकर लवर हैं सारे, तो मतलब मेरे पेज से मोस्टली कोई 90% लोगों ने बोला कि हम स्नूकर से, यानी कि जब इवेंट हुआ. और अभी माशाल्लाह ये जो इवेंट हो रहा है नदीम भाई, मैं इसको, ये जो आपने इसकी ऐसे जी स्नूकर का पेज किया और उसको फिर बाद में आप इस पर काम कर रहे हैं, मैं भी अपने तौर पर थोड़ा बहुत कुछ कर रहा हूँ. माशाल्लाह माशाल्लाह, इसकी पोस्ट रीच और इसकी चीज़ें अगर आप इनसाइड चेक करें, बहुत अच्छा जा रही है. और इसका मैं क्रेडिट चूँकि आप इसके हेड हैं, मैं आपको देता हूँ. और अताच एम की तरफ से 2,000 रुपया विनिंग. नहीं जी, अकेले बंदे के लिए विनिंग मैं नहीं लेता. दिस इज़ अ डिसरिस्पेक्ट फॉर अनदर प्लेयर. यू हैव टू अनाउंस, इफ़ यू वांट टू अनाउंस एनी प्राइज मनी, यू शुड अनाउंस फॉर बोथ प्लेयर्स. अगर आप एक को मिस करते हैं तो दूसरे की डिसरिस्पेक्ट है. इसको मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता और ना ही मैं इसको अनाउंस करता हूँ. सॉरी, जब भी दो प्लेयरों का मैच हो तो अनाउंस फॉर बोथ, नॉट फॉर वन. अच्छा जी, और ये हमारी नदीम भाई, माशाल्लाह सारी स्पोर्ट्स यहाँ पे होती हैं और स्नूकर इज़ वन ऑफ देम, यू नो. तो इसमें आप ज़रा मुझे थोड़ा सा बताएं आज के कितनी स्पोर्ट्स ऐसे गार्डन जो है, ऐसे गार्डन ने गोद लिया है. मीन के मैं इसे कहूँगा कि, और दूसरा ये कि आप फेमस गेम्स को इतना नहीं करते लाइक क्रिकेट एंड अदर, आप उन गेम्स को करते हैं कि जिनको, जिनकी पाकिस्तान को ज़रूरत है. मतलब मैं समझता हूँ ऐसे गार्डन के ये जो स्टेप्स हैं, इस पे आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि कैसे. मल्टीपल रीजंस, फर्स्टली इज द लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट इन अ लॉट ऑफ, यू नो, दीस एरियाज. लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, बिल्कुल कोई सपोर्ट ही नहीं है, कोई पैसा ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है. दैट्स व्हाई पीपल आर मोटिवेटेड. दे डोंट हैव दैट फैसिलिटीज, दे डोंट हैव द कोचिंग, दे डोंट हैव, यू नो, द कॉम्पिटिशंस. सो एक तो because of that reason we felt that, you know, something needs to be addressed regarding this. Plus hamare jo bhai hain, hamare jo owners hain, they are passionate sportsmen themselves. They are still sportsmen, they have been sportsmen since childhood, they've been involved in all kinds of games, they are very active, very healthy, and, you know, health is your wealth. So, you know, that's something we also believe in. Plus, you know, what is being gracious enough to give up this opportunity for us with this society to be able to do other things, and that's what we're doing. We're trying to give back to the people, give people the opportunity, try and develop all these people into these sports. We want to bring
Pakistan players into world class events. We want to start competing on a world level. We have the talent, we have enough people, we have enough everything. We just don't have the support and the facilities. That's what we're trying to help with. And inshallah, over the next few years, the goal is to try and, you know, start winning things internationally and claim fame internationally. I'll be officially Olympic swimmer. It was very sad to see kitna chota hamara group. So inshallah, you know, our chief executive is also part of is involved in the Olympic Association in Pakistan as well, to an extent. So, you know, we're trying to do our best. We're going to try and help people develop skills so that we can go and compete with, you know, and be able to win something as well and bring some pride back to Pakistan. अच्छा नदीम भाई, ये मुझे बताएं कि जो आपने ऐसे होम्स ब्यूटीफुल शॉट 50 ब्रेक 50 का ब्रेक हो चुका है जी नसीम अख्तर का, और सेंचुरी लगती है तो काफ़ी बड़ा प्राइज़ हो जाएगा, और अभी चार रेड टेबल पे पड़े हैं, यानी कि 59 एंड 6 65 ऑन अ टेबल। अच्छा नदीम भाई, ये बताएं जो आपने ऐसे होम्स लॉन्च किए हैं, इसका क्या क्राइटेरिया कि इतने कम पैसों में और इतनी ज़्यादा सहूलियत के साथ और दो साल के बाद कब्जे, यानी कि काफ़ी इन्हें फैसिलिटेट किया है? तो आप अगर आप कभी हमारा फिलॉसफी देखें एंड यू सी हाउ वी सेट अप दिस बिजनेस एंड हाउ वी रनिंग दिस बिजनेस, वी आर टारगेटिंग द हाई एंड और द पीपल विद मनी। वी आर ट्राइंग टू हेल्प पीपल हु हैव नेवर बीन इन द पोजीशन टू ओन देयर ओन होम्स, एंड वी वांट टू गिव देम द ईज ऑफ payment plans and facilities so that they can, you know, dream, not just dream, but actually live in their own homes, be able to enjoy all the facilities that we provide to them, you know, world-class facilities. I don't think there's any housing society in Pakistan, let alone the world maybe, that has the kind of facilities that we're providing. And this is just a few of many. I mean, we've got so many more plans to do so much more. ले जी नदीम भाई, सॉरी टू कट यू। नसीम अख्तर इज इन द फाइनल, वेरी वेल प्लेड नसीम, बहुत अच्छा खेले और चार चार फ्रेम बराबर हुए पिछला सेमीफाइनल भी, और ये हम लोग की एक्सपेक्टेशंस में था कि ये जो चार